हाँ जी, क्या हाल चाल? तुझे पिछले वेंडिंग मशीन के धारावाहिक में आपने देखा था भगवान की वेंडिंग मशीन, चावल की बोरी की वेंडिंग मशीन और निरोध की भी वेंडिंग मशीन। आज आपको लेकर चलते हैं ऐसी जगह जहाँ 100 से ज्यादा रेट्रो वेंडिंग मशीन हैं, जो आपको इसके अलावा जापान में कहीं नहीं मिलेंगी। खाने में सैंडविच, उदौन, बुढ़िया के बाल और भी पता नहीं क्या क्या है, और पीने के लिए है कोल्ड ड्रिंक, और अगर एक्सरसाइज करनी हो तो डेडलिफ्ट लगा सकते हो और पंजा लड़ाने की भी सुविधा है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। तो यहाँ पे ये पूरी रो वेंडिंग मशीन की है, ये पूरी रो वेंडिंग मशीन की है। तो ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे सारी रेट्रो वेंडिंग मशीन है। मैंने जापान में 10 साल हो गए, मैंने ये वेंडिंग मशीन आज तक नहीं देखी है। ये देखो, नकली नोट मिल रहे हैं, वो बच्चों के नहीं, हमारे यहाँ चूरन वाले नहीं नोट होते थे, वो वाले नोट मिल रहे हैं। ये तो दूध की वेंडिंग मशीन, जूस की वेंडिंग मशीन, और ये वाली जो वेंडिंग मशीन है इसमें हथकड़ी मिल रही है। ये वैसा किंकी स्टफ नहीं है, ये वो है बच्चों के खिलौने हैं, जैसे बच्चों की पिस्तौल वाली है, और हथकड़ी मिल रही है, और मास्क मिल रहे हैं, और वो बबल वाली मिल रही है, बबल, और नीचे वो गुड़िया मिल रही है। अब ये पूरी जो रो है ना, यहाँ पे कम से कम 50 वेंडिंग मशीन और हैं। अब मैंने डिसाइड किया कि सैंडविच खाता हूँ, क्योंकि मैंने सैंडविच कहीं नहीं खाया है। तो अब डालते हैं, 300 का एक सैंडविच है, 1, 2, 3, और मैं आँख बंद करके एक पे दबा रहा हूँ। अभी दिखा रहा है कि टोस्ट तो च्यूई, मतलब टोस्ट हो रहा है, तो ये टोस्ट होके ही ना निकलेगा यहाँ से। मुझे पता नहीं है टोस्ट कैसा होगा, फ्रेश तो नहीं होगा, सॉगी ना हो बस। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन कर रखा है इन्होंने, निकलेगा निकलेगा। तो जी, हमारा टोस्ट आ गया है। ओहो, गर्म, जरा बाहर आके खाता हूँ, हाथ पकड़ा नहीं जा रहा। यहाँ पे लकड़ी पे खा लेता हूँ ना। तो है टोस्ट कुछ ऐसा, अरे तो वैसा है जैसे मेरे स्कूल की कैंटीन में मिलता था, बासी। इसी के अंदर क्या है, कुछ सॉस है, और एक बाइट लेते हैं। ब्लैक पेपर, आप क्या, गर्म है ना? 150 रुपये में डिसेंट टूना सैंडविच, हाँ बुरा नहीं है। वेंडिंग मशीन से टूना सैंडविच पहली बार खाई है हमने। अब हम लेने जा रहे हैं अपनी कांच वाली कोको कोला की ड्रिंक। इसको कैसे करना है, इसमें बटन कहाँ है, ये है क्या? ये तो मेरे पैसे हैं, ले ले। 100 yen खा गया मेरे। ये कहाँ पर मशीन बना दी है, इतनी पुरानी है कि मशीनें खराब हो गई हैं, लेकिन पैसे लेना बंद नहीं कर रही। तो यहाँ पे इस तरह के ना बहुत सारे वेंडिंग मशीन है। तो यहाँ पे कॉफ़ी है, चॉकलेट है, कप नूडल है, दूध है, कोको कोला, क्या बोलते हो, लगाएं 200 yen की बाजी फिर से। हे भगवान, लिखा तो यही यार, इसको डाल के बोतल खींचनी है। कुछ ठक से आवाज़ तो आ रही है, या बोतल वैसी है एकदम इंडिया वाली कोका कोला। इसको यहाँ से भी खोल सकते हैं, लेकिन हम आमिर खान बनेंगे। बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं है, ठीक है 200 yen में दे तो दी कोका कोला। ये करी राइस है, इसमें भी वही चावल और करी पकी पकाई मिलेगी गर्मा गर्म। अगली तरफ आएंगे तो कॉफ़ी मिलेगी, इसके आगे वो यहाँ पे तो खाकी गोरी बोलते हैं, वो है ये बर्फ़ का गोला, जिसको खाओ तो मम्मी पीटती नहीं थी कि गला ख़राब करा लिया, ये वो है बर्फ़ का गोला। इसके आगे जायरो सोबा, ये ओमी कुजी, ये तो हर मंदिर में लगी हुई है ओमी कुजी। ओमी कुजी का मतलब वही है, गुड लक चार्म होता है। तो जो ऊपर आप ये देख रहे हो ना पेपर, ये यहाँ से निकालते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपकी ज़िंदगी एल लग गए हैं, तो उसको यहाँ टांग देते हैं वरना घर ले जाते हैं। अच्छा, इसमें कोक के अलावा ये भी है आपकी फेंटा, स्प्राइट, और 1 लीटर की है, लेकिन ये सारी बोतलें 1 लीटर की। यहाँ भी स्ट्रीट फूड है, ये और ये। इसमें हॉट डॉग है, ओनिगिरी है, देरी मामा सांदो, कोई सैंडविच है, थाइयाकी, ताकोयाकी, करागे। चलो मैं ताकोयाकी ट्राई करता हूँ, 300 yen की है। और ये तो सोल्ड आउट हो गई, करागे भी सोल्ड आउट है। नहीं, पैसे वापस करो। ओ, पैसे वापस भी हो जाते हैं? हाँ, क्रेजी ये हो गए। 100, 200, 400, यानी कि 200 रुपये। काउंट डाउन आ रहा है, 20, 19, इतनी जल्दी कैसे देगा वो गर्म नूडल। 10, 9, 8, 2, 1 एंड हैप्पी न्यू ईयर। गर्म नहीं है? बहुत ही गर्म है भाई। इसे गर्म है? अरे भाई मैं कह रहा था। तो सोबा की हालत के जैसी है, और इसके साथ ही मिर्ची मिलती है, बस डालो, घोलो, लगा लो। इसने 25 सेकंड लिए गर्म करने में, और तेजाब जैसा खोला दिया। ऐसा कह नहीं सकते कि वेंडिंग मशीन से आया। मुझे तो लगा ऐसा बड़ा अजीब सा ही होगा। इट इज़ बेटर देन कप नूडल्स। और आज वीकडे है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये सारे आके यहीं खाते हैं। मतलब 400 yen में उदौन क्या ही महंगा है, कोई रेस्टोरेंट में लाइन भी नहीं लगानी, और जो खाना खाओ। खाना खाने के बाद बॉल यहाँ रखना है, चॉपस्टिक भी यहाँ पे भाई। तो ये सारी वेंडिंग मशीन तो मैं आपको सारी दिखा चुका हूँ। अब एक वेंडिंग मशीन है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैंने आज तक 10 साल में वेंडिंग मशीन नहीं देखी, कैमरे की वेंडिंग मशीन। ये कोडेक का कैमरा है, यहाँ पे 3 कैमरे हैं, और इनके साथ रील भी है। दिखाऊं, ये रिकॉर्डर की रील, ये रिकॉर्डर की रील, और ये रहे 3 कैमरे, और ये है कैमरे की पूरी वेंडिंग मशीन कोडेक। एक मिनट, उसको लड़की को बोल के आता हूँ कि वो ख़राब है शायद आपकी मशीन, कोको कोला वाली, उससे देखते निकलते हैं कि नहीं रुपये। तो अभी बहुत सारा खा लिया है, बस ये डिंग करके निकल रहे हैं। बाकी अभी आंटी जी से ना, हमने आंटी
मतलब महिला से, हमने बोला कि हमारे 300 खाली मशीन है, तो उन्होंने उसकी गले में हाथ डाल के हमारे 100 वापस दिए और हमें एक टैरी कोकोला की बोतल दी। ये बहुत ठंडी है, सो आई टेक माई कंप्लेंट बैक। तो लगभग हमने 5-6 वेंडिंग मशीन ट्राई करी हैं, एक दो जो रह गई हूँ मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मेमोरी कार्ड में जगह है लेकिन मेरे पेट में नहीं है। पीछे जो वेंडिंग मशीन है ना, हाँ जी, ये जो वेंडिंग मशीन है इसमें हर खाना 1000 एन का है। चिकन है, चिकन है, गोजा है, पोक है, यहाँ पे आपका सेम है वही उदौन टाइप का। बचपन में फैंटम सिगरेट मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पी है, तो बचपन में वो सिगरेट नहीं आती थी फैंटम सिगरेट, वो यहाँ पे मिल रही है, ये रही। तो बच्चे वही, इसके आगे हल्का सा लाल होता है और शुगर होती है, वही वाली वेंडिंग मशीन यहाँ पर भी है। और ये सारी मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा जो यहाँ पे वेंडिंग मशीन है वो है ड्रिंक्स की, ये वाली बियर की है। ये बडवाइज़र फेमस है यहाँ पे, असाही फेमस है, और ये भी कोई विद द बियर करके ब्रांड है वो है। बाकी ये सारी जो नॉर्मल वेंडिंग मशीन है जो जापान में हर जगह आपको मिल जाती हैं। ये आ गया, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, देखें कितना पैसा खर्च हो रहा है। पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं है। यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन है, बुढ़िया के बाल बोलते थे हमारे यूपी में, तो ये रही 100 एन की वेंडिंग मशीन है। इसमें दो फ्लेवर हैं, स्ट्रॉबेरी बनाना। कौन सा लोगे आप? तो ये डंडी है, और कैसे, अच्छा ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाओ छेड़ के, ऐसी कर दी उन्होंने। ओ ऐसे, तो बहुत ही बेकार बना हमारा, काफी अगली। ये सही में बुढ़िया के बाल लग रहे हैं, बस ये सर के बाल नहीं है। वे थोड़ा छोड़ दे, अब नहीं खा लो, मुझे नहीं खाना। नहीं तो मुझे लगा कि कराओगे। तो क्योंकि हमारे इस चैनल का बजट कम है तो ये खेलेंगे नहीं हम, लेकिन यहाँ पंजा लड़ाने की भी वेंडिंग मशीन है, खेलें। अरे मैं तो बहाना मार रहा था, हमारा बजट, अरे देखो हमारे हैं ज्यादा सब्सक्राइबर, हमारा बजट है। इजी हार्ड, ओ भाई साहब जान। क्या हुआ? ड्रॉ भाई आप करो क्या हो रहा भाई? रशिया की फीमेल बॉडी बिल्डर के साथ। अच्छा, 1 2 3 ये मुझे सेकंड चांस मिली है। 1 2 3 इजी है भाई, तो इजी है, इजी वाला बहुत ही इजी है, हार्ड वाला बहुत ही हार्ड है। यहाँ पे इस तरह के ना बहुत अजीब अजीब से ये हैं, जैसे ये है ना, ये ग्रिप स्ट्रेंथ का है, ये ग्रिप स्ट्रेंथ का हो गया, और यहाँ पे डेडलिफ्ट है, इसको पकड़ के ऐसे उठाना है, और इसके पीछे, हाँ करो, चलो ये करके देखता हूँ, बैग उतार दूँ। यूट्यूब पे जज बहुत करते हैं ना लोग, जिम बॉय। ओके, कितना हुआ? 198 किलो। तो यहाँ पे जैसे भी पंजा लड़ाने वाली देखिए, डेडलिफ्ट वाली देखिए, ग्रिप वाली देखिए, यहाँ पे साइकिलिंग रेस की है, मतलब 1 किलोमीटर कितनी जल्दी कर पाते हो, और यहाँ पे कार रेसिंग गेम्स से लिए बहुत पुराने हैं। तो ये वाली वेंडिंग मशीन तो अपनी पुरानी वीडियो में दिखा चुका हूँ, मतलब जूस की है, और 500 एन का एक जूस है, मतलब महंगा है लेकिन फ्रेश है, तुम अपनी आँखों के सामने बनाते हुए देख सकते हो, और चीनी वीनी कुछ ऐड नहीं करी हुई है, तो प्रॉपर थोड़ा सा सिट्रस है, स्वीट है। यहाँ पे कप नूडल तो जापान में बहुत कॉमन है, लेकिन ये वेंडिंग मशीन इतनी पुरानी है ना, और इनका ही खास बात है ये गर्म करके देती हैं, पहले कप नूडल में पानी डाल के हम अलग से कराते हैं ना, इनमें पहले से गर्म होती है। और ये जो वेंडिंग मशीन है ये बैटरी है, इसमें ट्रिपल ए बैटरी भी है, पेंसिल सेल भी हैं, और इनमें जंग लगी हुई है, इतनी पुरानी है। अब मुझे पता नहीं जो अंदर होंगे वो चलेंगे कि नहीं, कंपनी का नाम है मित्सुबिशी। और ये वेंडिंग मशीन इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या है ना, इसमें केला है, केले के ऊपर चॉकलेट की रैप है, और उसके ऊपर उन्होंने वो स्प्रिंकल किए हुए हैं कैंडीज़, और ऊपर सेब है, हाँ उसको शुगर कैंडी से रैप किया हुआ। और ये वेंडिंग मशीन है दारू की, साके की वेंडिंग मशीन है। ये क्या है भाई सिस्टम? ऐसी आता है, अच्छा गिरता नहीं है इसमें, मुझे वही लगता था हर बार क्या होता है कोल्ड ड्रिंक जब गिरती है ना तो ऐसे सोडा हो जाता है, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही खराब है। अरे कितना हैंडल विद केयर है भाई।
सब कुछ काफ़ी हैंडल विद गियर। तो अभी इस वेंडिंग मशीन से ये निकाला था, मतलब यहाँ पे तो गेंजी बोल रहे हैं इसे, गेंजी पाए। अच्छा, बढ़िया। ये जो कप नूडल है परफेक्चर के हिसाब से यहाँ रखे हुए हैं, जैसे योकोहामा सेंदाई हाको जाते हकाता, तो यहाँ के ना फेवरेट नहीं, जैसे वो फेमस वहाँ के कप नूडल हैं, तो इन्होंने परफेक्चर के हिसाब से लगा रखे हैं। तो जी ये थी सारी वेंडिंग मशीन इस जगह की। हमें निकलना था टोक्यो और बारिश और समय की पाबंदी की वजह से इतना ही रिकॉर्ड हो पाया। टोक्यो में मैं बस एक रात ही रुका था क्योंकि अगले दिन मेरा था ऑफिस और मुझे भागना था वापस ओसाका। तो जी अब हमारी ट्रिप खत्म हुई, हमारे बैग पड़े, अब हम जा रहे हैं ओसाका। यहाँ से 6.5 घंटे की राइड है, टाइम कुछ अभी 6:40 हो रहे हैं। तेरी गौरव भाई की बाइक, सारा सामान ऐसे ही छोड़ गए थे वो, मेरी भी पैकिंग हो गई है। तो इन बाइकों में ना ऐसे करके लोहे के लगे होते हैं, ये लॉक हो जाते हैं, जैसे उस बाइक में लॉक है ना, मेरी बाइक में भी लॉक है, तो इसको पे करना है। मेरा है 16 नंबर 16 नंबर 16, ये पीला वाला दबाना है, 8 से 9 हो गया। अब उसका गियर जो है नीचे हो गया, ये नीचे हो गया, अब मैं अपनी बाइक निकाल सकता हूँ। वाह मोदी जी वाह। तो आज गाड़ी चलाई हमने 7 घंटे 15 मिनट और आज मैंने हाफ डे ले रखा था, अब घर जाके काम करना है और एडिटिंग देखते हैं इस हफ्ते या अगले हफ्ते करूँगा। घर में बैठ के वीडियो बनाना ना तो आसान होता है, बाहर जाओ तो यही सब करना पड़ता है। खैर क्या कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।